Happy evening, all of you. I am Professor Anand Kumar Das. In continuation with the top 100 engineering colleges, North India का बनाकर आप लोगों का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं. अब South India का बारी है, ठीक है. आज मैं South India का top 100 engineering colleges, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, IITs, there are 23 IITs, NITs, National Institute of Technology, there are 31 NITs, IIIT, there are 26 IIITs, and all bits, all campus, there are 10 campus. So 90 colleges already there, top colleges in engineering colleges in India, okay? Then Indian Institute of Science in Bangalore, by default, it's a top college in India, third rank actually, to be very frank. Huh? And the world ranking also very good ranking 5 years back, but now it's very far away from the world ranking. But no doubt, by default, this is very good college, or you can say number third college in this country. So I have taken this under this part, okay? Under South India, definitely Indian Institute of Science in Bangalore definitely come by default without any doubt. After that, VIT Vellore has got the very good ranking, okay? Then SRM Chennai, as you know very well, PSG College of Technology Coimbatore, Amrita School of Engineering Kerala. As I know, I told you very frankly, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि कॉलेज की रैंकिंग जो डिसाइड होती है वो सिर्फ प्लेसमेंट पैकेज पर डिसाइड होती है. और आप लोग जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, यू आर सपोज टू टेक इनटू कंसीडरेशन वेरी क्लियरली व्हेन एवर यू आर टेकिंग एडमिशन एनी कॉलेजेस. आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट का पैकेज CTC कितना मिलेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कैसा है. एडमिशन से पहले आपको पूछना है कि मिनिमम 25,000 रुपये टेक होम नेट सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड वैल्यू फॉर मनी. आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले आपको रिटर्न जो है वो कितना मिल रहा है. से फॉर एग्जांपल 4 साल में आपने 8 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 10 लाख का पैकेज वो देगा. बिकॉज हमारे कंट्री में पैकेज 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज और मैक्सिमम पैकेज. पीपल आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी डिप्लोमेटिक, कॉर्पोरेट पीपल ऑल्सो एंड इंस्टीट्यूट पीपल ऑल्सो. वो आपको ट्रैप करेंगे, टिप्स एंड ट्रैप बोला जाता है, ट्रैप करेंगे, है ना. तो बोलेंगे हाँ पैकेज दिया जाता है 6 लाख का पैकेज, तो 6 लाख का पैकेज हाथ में आएगा 18,000 rupees पर मंथ, दैट्स इट, दैट इज पैकेज. वो वीडियो देखिए, आप जरूर देखिए, मैंने बना कर दिया है कि पैकेज का डिफरेंस, CTC का मतलब क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट टेक होम सैलरी, नेट सैलरी, वो सब वीडियो देखिए. मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी 333 वीडियोज है फुल ऑफ लर्निंग. एक भी वीडियो ऐसा नहीं जिसमें लर्निंग नहीं है, एजुकेशन लर्निंग नहीं है. आप लोगों को बहुत फायदा होगा. हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, हिंदी वाला वीडियो अलग से है, इंग्लिश वाला वीडियो अलग से है, है ना. लेकिन देखिए आपको जरूर अच्छा लगेगा. उसका सबटाइटल्स आप उसमें ऐड कर लीजिए, आप हिंदी वाला वीडियो को इंग्लिश के साथ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, दीज आर टॉप कॉलेजेस बाय डिफॉल्ट ऑल ओवर इंडिया. सो 90 कॉलेजेस ऑलरेडी देयर, वेरी गुड रैंकिंग कॉलेज ऑलरेडी देयर. Value for money, investment, definitely return will come, guarantee warranty is there. But what about other colleges? So definitely there are several other colleges which are very good. अगर इस list में उस college का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो college खराब है. अगर वो package नहीं दे पा रहा तो आपको फिर deserve करना पड़ेगा, मतलब requisite qualification और लेना पड़ेगा engineering के साथ साथ, कुछ certificate, कुछ diploma, so that आपको minimum salary उतना से start कर सको. अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगा, है ना. क्योंकि हमारे देश में जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज मशरूम्स की तरह है, 15,000 इंस्टीट्यूशंस है. इस बात का ध्यान रखना है, है ना. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, इंजीनियर्स और MBAs, यहाँ लोग बना नहीं रहे हैं, मेक इन इंडिया और इन्वेंट इन इंडिया नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. तो जब मैन्युफैक्चर होगा तो क्वालिटी कैसा आएगा, यह आपको डिसाइड करना, आपको खुद पता है ना. तो ये सब कॉलेज की रैंकिंग है. हैदराबाद से CBIT चैतन्य भारती, है ना. फिर MS रमैया कर्नाटक, MIT मणिपाल, आपका IIIT DM चेन्नई, कोचिन यूनिवर्सिटी एंड त्यागराजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुराई. ये सब जो जितना 100 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज साउथ इंडिया में है, अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके वैल्यू फॉर मनी जो आपने इन्वेस्ट किया वो पैसा आपको रिटर्न उसी साल जब पढ़ के आप निकलेंगे तो 1 साल के अंदर ये पैसा वापस आ जाएगा, पैकेज ग्रुप में, प्लेसमेंट ग्रुप में, सैलरी के रूप में. लेकिन आपको बिफोर एडमिशन, अगर आपने एडमिशन अभी नहीं लिया है, क्योंकि एडमिशन अभी स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है अभी भी, अगर नहीं लिया है तो ज़रूर पूछिए इंस्टीट्यूट में काउंसलर से, एडमिशन काउंसलर से, आपके यहाँ पैकेज नहीं, मुझे टेक होम सैलरी बताइए, टेक होम सैलरी क्या है,
6 लाख का टेक होम सैलरी, अगर 6 लाख पैकेज है तो उसका 18,000 होता है, बस इतना याद रखना आपको, दैट्स इट। तो वो आपको देखना है, आपको समझना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ नॉर्थ इंडिया का बनाकर मैं देख चुका हूँ वीडियो, वो वीडियो जरूर देखना अगर आपको नॉर्थ इंडिया में इंटरेस्ट है एडमिशन लेने का किसी भी कॉलेज में। साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स है, ये वीडियो मैं आज आपको बनाकर दे रहा हूँ। फिर मैं ईस्ट इंडिया का बनाकर दूंगा 11 स्टेट्स है, और फिर वेस्ट इंडिया का बनाकर दूंगा 3 स्टेट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप जरूर लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा फ्रेश वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग। MBA से रिलेटेड भी सारा वीडियो अपलोड है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।